हमारे देश के नेता इतने बेशर्म हैं कि अब इस देश के लोगों को ना उनसे कोई उम्मीद रह नहीं गई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? ऐसा है, 2005 से देश लुटता आ रहा है। हमारे पास बहुत सारे स्कैम हैं, 2005 में शुरू हुए सारे स्विस बैंक्स 2005 में आए। कुतरोची के लड़के को ठेका दिया गया सारे हिंदुस्तान में तेल खोदने का 2005 में। 2005 में इटालियन की फेक करेंसी की कंपनी खोली गई डेलारू प्राइवेट लिमिटेड में। आज इस देश का दुर्भाग्य ये है कि 2009 में ये सारे मामले पब्लिक के आगे नहीं आए। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार को पता है ये आखिरले इनके 6-8-7 महीने बचे हैं, ये जाएंगे लूट पाट के, सब लूट के यहाँ से। हो सकता है ये जो बड़े जो बाहर के लोग आए हुए हैं ये सब जहाज लेके यहाँ से भाग जाए, जैसे हुस्ने मुबारक भाग गया इजिप्ट से। मेरे को जो लग रहा है ये भाग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये वही हुआ है इजिप्ट में हुस्ने मुबारक ने किया, जो लीबिया में गद्दाफी ने किया। ये बहुत लोग ऐसे कर चुके हैं, कोई नए हिस्ट्री में नया नहीं है, लेकिन तंत्र में ये हो रहा है, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। जी जी सर, एक चीज मैं और कहूंगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद सत्य न्याय और ईमानदारी को ना सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था, और आज इस पद के प्रति भी लोगों में घृणा आ गई है। घृणा इसलिए आ गई है कि मनमोहन सिंह जी को लाया ही इसीलिए गया था, उन्हें पता है ये चोर उचक्कों का साथ देने में नंबर एक रहते हैं। हमें मनमोहन जी आज रैली रोक दिया, तो मनमोहन जी हमारे प्रधानमंत्री होते हुए भी इनका देखो कितने बेशरम शर्मिंदगी किया है कि इनकी रैली पर रोक लगा। मनमोहन सिंह जी के पूरे राज खुल जाएंगे। मैंने आज बोल दिया, हर्षद मेहता स्कैम में ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हुए थे। जब हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने के पास इन्फॉर्मेशन आई कि किसी आदमी का 500 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है बंबई के बैंक में, तब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने 27 फोन किए, 500 करोड़ रुपया जो हमने पकड़ लिया छुड़वाया इसने, आज मनमोहन सिंह मेरे सामने आए, कौन कहता है ये ईमानदार आदमी। जी जी, अच्छा सर एक चीज और बताइए कि आज आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पे बैठे लोग भ्रष्टाचार के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं? मैं राष्ट्रपति के पास तो कोई पावर ही नहीं है, वो मैंने सुना कहीं पराठे वराठे बनाती थी, उसके पास कोई पावर नहीं है, वो क्या भ्रष्टाचार का स्रोत बनेगी? भ्रष्टाचार के स्रोत जिनके पास पावर है, शरद पवार करप्ट है।